नमस्कार, TV9 राजस्थान पर 8 PM शो के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या यूं कहें सरकार और सरकार के ही मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बीच एक टसल सा चल रहा है, एक कोल्ड वॉर चल रही है। लेकिन आज 8 PM शो में बात उस टसल की नहीं जो किरोड़ीलाल मीणा और भजनलाल शर्मा के बीच चल रहा है, आज बात सचिन पायलट की होगी। दरअसल सचिन पायलट एकाएक अचानक राजस्थान की सियासत में एक्टिव हो गए। अपने विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया, अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग गांव में वो गए, अलग अलग पंचायतों में अपने समर्थकों से कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, दरअसल किस तरीके से उनके दौरे के दौरान अलग अलग ये तस्वीरें सामने आई और उनकी लोकप्रियता के हिसाब से जिस तरीके से लोगों के बीच उनका क्रेज रहा है वो इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। लेकिन सचिन पायलट का अंदाज थोड़ा अलग इसलिए था क्योंकि इस दौरे के दौरान उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के रुके हुए विकास कार्यों की समीक्षा भी की और अपने समर्थकों के घर वो भोजन करते भी नजर आए। उन्होंने रतन बैरवा के घर भोजन किया, कई जगहों पर उन्होंने जो है लोगों से मुलाकात की। रात्रि निवास अपने दौरे के दौरान एक गांव में सचिन पायलट ने किया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने समर्थक और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते, उनके साथ बातचीत करते सचिन पायलट नजर आ रहे हैं। अब आज का सवाल यह है कि आखिर सचिन पायलट का एकाएक एक्टिव हो जाना किस ओर इशारा कर रहा है। दरअसल इससे पहले अलग अलग राज्यों में चुनावी जिम्मेदारियां निभाने के बाद अब सचिन पायलट, चूंकि अब तमाम विधानसभा के चुनाव और राजस्थान के उपचुनाव खत्म हो चुके हैं, बावजूद इसके सचिन पायलट अब एक्टिव हुए हैं, तो इसकी वजह क्या है समझने की कोशिश करेंगे। सवाल यह भी है कि भाई आखिर क्या किसी नई तैयारी में है सचिन पायलट। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस विषय पर चर्चा करने के लिए ध्वज आर्य जुड़ गए जयपुर से सीधे। ध्वज, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मेरा सवाल यही है ध्वज कि आखिर अचानक से सचिन पायलट जो एक्टिव हो गए, इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? क्या वो 2028 का गेम जो है अभी से उसे तैयार करने में जुट गए हैं, उसके लिए सियासी जमीन और मजबूती हासिल करने के लिए नई कवायद वो शुरू कर रहे हैं, या फिर कहानी कुछ और है? बिल्कुल, देखिए ये जो कहानी है ये अब शुरू हो चुकी है। राजस्थान के जो उपचुनाव हुए हैं उसका जो रिजल्ट आया है और कांग्रेस को मात्र एक सीट मिली है, इसको लेकर और उसके साथ साथ में जो पिछले दिनों जो बीजेपी की जो राजस्थान के जो इंचार्ज हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, इनके जो बयान थे सचिन पायलट को लेकर, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट का समय जो है अब ख़त्म हो चुका है। और उसके साथ साथ में अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने जब राजस्थान के उपचुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद उन्होंने कहा कि राजस्थान के एक नेता जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो नेता फर्जी हैं। यानी कि सीधे सीधे सवाल उन्होंने उठा दिए कि सचिन पायलट का समय जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। इसी बात को लेकर जो राजस्थान के तमाम जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने इसका विरोध भी किया था, लेकिन सचिन पायलट इसको लगता है कि सीरियसली अब ले चुके हैं और इसी वजह से अब वो अपने जो उनका क्षेत्र है गुजर बाहुल्य क्षेत्र है जहां उनके जहां ज़्यादा समर्थक हैं, तो अपने इलाकों का ये दौरा कर रहे हैं और लगातार अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2028 की जो तैयारी है उसको लेकर वो अपने ग्राउंड लेवल पर जो है अपनी जो पहचान और अपनी, हालांकि सचिन पायलट किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अब वो जो है एक्टिव नज़र आ रहे हैं और अपने इलाके में ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, इनकी जो बात है उन्हें कहीं ना कहीं जो खली है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीति में इस तरीके की बयानबाजी जो है सही नहीं है और अगर आपको अपोजिशन में भी अगर हम लोग हैं और जो जो नेता हैं तमाम जो नेता हैं बड़े नेता हैं उनको अपनी भाषा पे वह कंट्रोल रखना चाहिए। ये बयान जब उनसे सवाल पूछा गया कि राधा मोहन दास अग्रवाल ने बोलकर कोई आगे नहीं जा सकता, लेकिन ध्वज जो है मैं मेंशन ये करना चाहूंगा इन तस्वीरों में, तस्वीरें देखिए सब देख रहे हैं, आप भी इन तस्वीरों को देखकर आकलन कर रहे होंगे। इस तरह की तस्वीरें अमूमन किसी चुनाव या उपचुनाव के दौरान ही या उससे पहले चुनावी कैंपेन में नजर आती है, जब कोई नेता जाकर
दलित समर्थक, दलित कार्यकर्ता जो है उनके घर जाते हैं, भोजन करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। अमूमन इस तरह की जब चुनावों का ऑफ सीजन, अगर मैं कहूँ चुनावों का ऑफ सीजन हो, तब ये तस्वीरें नजर नहीं आती। उलट इसके सचिन पायलट ने ये पूरी प्रैक्टिस अभी से शुरू की। आखिर क्या संगठनात्मक लिहाज से भी, अगर हम 2028 की का जिक्र भी अभी ना करें, क्या कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक लिहाज से भी ये कोई नया इक्वेशन बनाने की कोशिश सचिन पायलट कर रहे हैं क्या? देखिए, राहुल गांधी ने बड़े स्मार्टली तरीके से अपनी एक टीम तैयार की है, और ये जो टीम है वो उन्होंने जो कांग्रेस का वोट बैंक है उसको लेकर ये टीम तैयार की गई है। सबसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा की बात करते हैं, पीसीसी चीफ हैं, और जो जाट वोटर है, जो कांग्रेस का वोट है, उसको लेकर गोविंद सिंह जो डोटासरा हैं उन्हें कमान दी गई है। उसके साथ साथ में टीकाराम जूली, यानी कि कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक है दलित वोट बैंक, टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष की उन्होंने पोस्ट दी है। उसके बाद में अगर बात आती है रफीक खान की, रफीक खान को जो है मुख्य सचेतक बनाया गया है, और जो मुस्लिम वोट हैं, जो कांग्रेस के कोर वोटर हैं, उसको देखते हुए उन्होंने जो है रफीक खान को ये जिम्मेदारी दी है। और उसके बाद में रामकेश मीणा, यानी कि जो एसटी का वोट है, ये कांग्रेस का वोट है, इसको लेकर भी उन्होंने रामकेश मीणा को जिम्मेदारी, यानी कि ये चार लोगों को जो बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो राहुल गांधी ने स्मार्टली तरीके से इस बात को जो है पलटने की कोशिश की है। राजस्थान में जो एक ये जो मैसेज बना हुआ है कि अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, यानी कि दोनों की जो अदावत है वो लगातार जो है जारी थी, और इसी के चलते जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जो है खासा नुकसान जो कांग्रेस को जो है देखने को मिला। और उसके बाद में अब राहुल गांधी कोई भी नया रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और वो साफ तौर पर ये भी जो है जानते हैं कि अब जो नई टीम बनी है इस टीम को ही आगे जो है प्रमोट किया जाए, और आगामी विधानसभा चुनाव 2028 के विधानसभा चुनाव है उसमें ऐसा कोई भी जो है मैसेज ना जाए जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो अदावत का जो लगातार ये बात चल रही थी, तो इससे नुकसान कहीं ना हो। लेकिन जो पूर्वी राजस्थान में जिस तरीके से जो सचिन पायलट का जो होल्ड है उसको लेकर, लेकिन उस होल्ड के बावजूद भी जो दौसा वाली जो सीट है उन्होंने जो हारी है, दौसा वाली सीट जो बीजेपी ने हारी है, माफ कीजिएगा, और उसके बाद में कांग्रेस ने जीती है, यानी कि वो जो सीट थी वो तकरीबन हारी हुई सीट थी। और जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, खुद ने जो है रोड शो किया था वहाँ पर, और किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं जगमोहन मीणा, उनको पूरा सपोर्ट किया था, सरकार ने पूरा सपोर्ट किया था, और ये सपोर्ट के बावजूद भी हालांकि उनके भाई हार गए, लेकिन ये बहुत करीबी मुकाबला था, 2000 के आसपास के वोटों से ही जो कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है। लेकिन जो पायलट हैं, सचिन पायलट हैं, वो जो मुरारीलाल मीणा, यानी कि वहाँ से जो एमपी हैं, उनको या उनके परिवार से किसी को भी, मतलब उनके सहयोगी को टिकट नहीं दिला पाए, और यहाँ पर जब उन्होंने जो है दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिया तो उन्हें जो है जिस तरीके से पायलट दौसा गए, और उसके बाद में दौसा जाने के बाद में उन्होंने जो प्रचार किया, इसी बीच में अशोक गहलोत भी वहां पर गए, उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात की, यानी कि फिर से उन्होंने एक बात छेड़ दी कि यहां पर सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा की मिलीभगत हो सकती है, ये इशारा उन्होंने इस तरफ किया था। लेकिन कांग्रेस की एकमात्र सीट आई है इस उपचुनाव में, और उसके बाद में जो राजस्थान में दो बड़े नाम है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इनकी ये जिस हिसाब से परीक्षा थी उस परीक्षा में लगभग ये दोनों बड़े नेता फेल हो चुके थे, और ये जो सीट भी थी ये बीजेपी की लगभग जीती हुई सीट थी। और यहाँ भी जो किरोड़ीलाल मीणा के भाई जो कि हारे हैं, बहुत करीबी मुकाबले से हारे हैं, यानी कि भाजपा की जीत का जो आंकड़ा था वो 5 की जगह 6 भी हो सकता था। तो इस तरीके से जो है सचिन पायलट ने लगता है कि उन्होंने मंथन किया है, और फिर से ग्राउंड लेवल पर वो तैयारी कर रहे हैं, और जो आला कमान है उन्हें ये कि आपने एक जो उनकी तरफ से ये मैसेज है वो दिया जा रहा है कि वो फिर से एक्टिव हो चुके हैं। राजस्थान 4 सीटें कांग्रेस के खाते की थी, 3 सीटों पर 3 सीटें गंवानी पड़ी, उपचुनाव में रिजल्ट अनुकूल जो है कांग्रेस के नहीं रहा। लेकिन सचिन पायलट ने देखिए दौसा की सीट को मजबूती बताया कांग्रेस की, कि देखिए हमने एक बड़ी जीत जीत ली है यहां पर। बाकी सीटों पर जो रिजल्ट रहा उसको लेकर सचिन पायलट ने कहा कि भाई देखिए इसकी जिम्मेदारी तो सामूहिक रूप से लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ एक लिस्ट जो है, जो सक्रिय नेता नहीं थे उपचुनावों में, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो काम नहीं कर रहे थे, उनकी एक लिस्ट दिल्ली पहुंचा दी गई, डोटासरा भी एक लिस्ट पहले पहुंचा चुके थे।
एक और लिस्ट जो है दिल्ली बना करके भेजी गई है कि इन नेताओं ने ठीक से काम नहीं किया। कुछ बड़े बदलाव की भी खबर आ रही थी कि भाई कोई एक्शन शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हो सकता है, तो क्या अगर एक्शन होगा तो उस एक्शन में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है, और उस बदलाव में क्या सचिन पायलट कोई संभावना ढूंढ रहे हैं? मैं संभावना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डोटासरा के टेन्योर को लेकर भी कई बार सवाल उठ चुके हैं कि उनका टेन्योर खत्म हो रहा है क्या, प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी अब विचार किया जा सकता है पार्टी में। तो ये सचिन पायलट यूं कहें कि बिना कहे प्रदेश अध्यक्ष पद पर एक बार फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं क्या, क्या ये संकेत माना जाए? देखिए, पिछला जो जो ये विधानसभा चुनाव हुआ था, इससे पहले वाला विधानसभा चुनाव जिसमें कांग्रेस ने जीत जो है दर्ज की थी, और उस वक्त जो प्रदेशाध्यक्ष उस वक्त जो है सचिन पायलट थे, और सचिन पायलट ने हालांकि पूरी तरीके से यूथ को जो है समेटा था, और एक जो है उन्होंने पूरे राजस्थान भर में ये मैसेज जो है जारी किया था कि अब जो है आने वाला जो चुनाव है, यानी कि चुनाव से पहले, और जब उन्होंने ये मैसेज जारी किया था और एक जो जंग उन्होंने छेड़ी थी उसको लेकर राजस्थान के तमाम जो युवा नेता थे, संगठन को उन्होंने काफ़ी मजबूत किया था। लेकिन मुझे जो अब के जो हालात हैं, मुझे लगता नहीं है कि सचिन पायलट इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार हैं। और उसके साथ साथ में जो अभी कल जो मुलाकात हुई है गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की, वो संगठनात्मक रूप से जो कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत किया जाए उसको लेकर उन्होंने जो है राहुल गांधी से मुलाकात की है, आलाकमान से बात करके, हालांकि जो है औपचारिक मुलाकात बताई जा रही है, शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन जो अंतरखाने जो खबर आ रही है उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि राजस्थान के कांग्रेस के संगठन में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि जो सचिन पायलट हैं वो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का जो पद संभालेंगे, और क्योंकि अब चुनाव में जो है करीब 4 साल का समय है, और 4 साल में जो है सचिन पायलट अब राजस्थान भर में जो है अपनी स्टाइल में वो इसी तरीके के दौरे करेंगे लगातार, और ख़ास तौर पर पूर्वी राजस्थान में इनके जो दौरे हैं वो ज़्यादा बड़े होंगे और ज़्यादा संख्या में होंगे, वो गांव में जाएंगे, ग्राउंड में अपनी जो जो टीम है उसको मजबूत करेंगे, ज़मीनी जो स्तर पर जो छोटे छोटे जो नेता हैं उन्हें तैयार करेंगे, और ये उनका स्टाइल रहा है, हमेशा से स्टाइल रहा है। और जो 2018 का जो उन्होंने चुनाव जीता था, 2018 के चुनाव से पहले भी आपको याद होगा कि जब वो प्रदेशाध्यक्ष थे तो उन्होंने एक नया प्रयोग किया था, और उस प्रयोग के तहत उन्होंने पीसीसी के बाहर एक घड़ी टांगी थी और काउंटडाउन उसमें जो है शुरू किया था 1 साल पहले कि इतने दिन रह चुके हैं, यानी कि इतने दिन बाकी हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है बीजेपी की सरकार जाने का, यानी कि इस तरीके के नए नए प्रयोग करते हैं। हालांकि युवाओं में अच्छी पकड़ है उनकी, अच्छे जो है लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन फिर से एक बात जो सुई है, घड़ी की सुई है, वो टकती वहीं है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत ये फिर से जो है हो सकती है, लेकिन आलाकमान इस तरीके का रिस्क अब नहीं लेना चाहता। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से राहुल गांधी हैं वो युवाओं को लगातार मौका दे रहे हैं, युवाओं को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने जो टीम तैयार की है, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए सचिन पायलट की एक्टिवनेस पर, अब वो जब एक बार फिर से सक्रिय राजस्थान में हुए हैं तो हम सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सक्रियता के साथ साथ सचिन पायलट बयानों के जरिए भी अब एक तरीके से कहें तो सुर्खियां बटोर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से, चाहे बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल हुए, तमाम और नेताओं किस तरीके से सचिन पायलट पर हमलावर हुए, फर्जी नेता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और भी न जाने क्या क्या बातें सचिन पायलट को लेकर राधा मोहन दास अग्रवाल और बाकी नेताओं ने कही, कभी सचिन पायलट ने पलटकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर जवाब नहीं दिया। लेकिन अब राधा मोहन दास अग्रवाल पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए कड़वे शब्द, भले गुड़ खाकर उन्होंने जवाब दिया, जैसा वो कहते हैं कि सर पे बर्फ और चीनी शक्कर जो है मुंह में रखकर राजनीति करनी चाहिए, उसी लिहाज में उसी अंदाज में उन्होंने पलटवार जरूर किया है, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दिया। तो क्या ये जो सक्रियता है ये कांग्रेस के भीतर भी हलचल पैदा करेगी क्या? इन तस्वीरों को देखकर कांग्रेस के भी कई नेता क्या एक्टिव होंगे, जो एक तरीके से गुटबाजी कांग्रेस में कही जाती है, धड़ेबाजी कही जाती है, वो और तेज होने की संभावना फिर से एक बार दिखाई दे रही क्या? देखिए, सचिन पायलट की बात की जाए तो सचिन पायलट को जो राधा मोहन दास अग्रवाल ने फर्जी कहा है, इससे पहले जो है अशोक गहलोत उन्हें कई बार
जो है कह चुके हैं कि नकारा है, निकम्मा है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर चुके और उसका भी उन्होंने हंस के जवाब दिया था। तो ये जो बयानबाजी है उनके खिलाफ अगर कोई नेता, उनकी पार्टी के नेता दे रहे हों या अपोजिशन में दे रहे हों, तो इसको लेकर ये जो है इस तरीके का जो मैच्योरनेस उनके अंदर आई है, हंस के जवाब देते हैं, हंस के जवाब वो दे के आगे बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है मैच्योरनेस उनके अंदर आ चुकी है, जितने मैच्योर हो चुके हैं। और एक जिस तरीके से, हालांकि जब अशोक गहलोत ने उनके बारे में कहा था तो उस वक्त थोड़ा उग्र हुए थे और ये उनके लिए नेगेटिव भी गया था, लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि एक बड़े नेता हैं, बड़ा नाम उनका हो चुका है, भारत भर में जो है स्टार प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस उन्हें जगह जगह भेजती है। तो सचिन पायलट एक जो है मैच्योर नेता बन चुके हैं और इसी तरीके से वो अपना जवाब अब वो दे रहे हैं, शालीनता के साथ में वो जवाब देकर अपने विरोधियों को जो है पूरी तरीके से जो है जवाब दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये जो तस्वीरें बयां हो रही हैं वो महिलाओं से पूछ रहे हैं कि रोटी किसने बनाई, बाजरे की रोटी, यानी कि घर की जो महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, इलाके में घूम रहे हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आगामी जो 2028 का जो चुनाव होने जा रहा है इसको लेकर अब वो अपनी तैयारी है वो शुरू कर चुके हैं। उनको पता है कि राजस्थान में जो तमाम जो चुनाव हो चुके हैं, हालांकि एक इशारा और एक टारगेट उनका पंचायत चुनाव को लेकर भी हो सकता है कि जिस तरीके से जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर सचिन पायलट हैं, वो अब जो तमाम जो पूर्वी राजस्थान में जिस तरीके से उनकी होल्ड है उनका, तो वो चाहते हैं कि पंचायत का चुनाव हो, उसमें रिजल्ट अच्छे आएँ और कहीं ना कहीं जो उनका जो दौरा है लगातार बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका रिजल्ट है वो रिजल्ट की जो मार्कशीट है वो आलाकमान तक पहुंचे और एक बार फिर से आलाकमान ये माने कि राजस्थान में सबसे बड़ा कांग्रेस का जो नेता है वो सचिन पायलट है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है वो सचिन पायलट है। तो कहीं ना कहीं ये तैयारी का ये माना जा सकता है। हालाँकि अब पंचायत चुनाव की बात की जाए तो पंचायत चुनाव में अभी समय है और राज्य सरकार है वो एक प्रदेश एक चुनाव जो है करवाने की तैयारी भी कर रही है और उसमें जो है समय भी लग सकता है अगर एक प्रदेश एक चुनाव होगा। हालांकि टेक्निकल इशू हैं इसमें तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर पंचायत चुनाव में भी अब जो बचे हुए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को जो है पूरी तरीके से मजबूत करें, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में। ये सचिन पायलट का एक बड़ा लक्ष्य हो सकता है और इसी को लेकर अब लगातार वो पूर्वी राजस्थान में एक्टिव हो चुके हैं। तो जाहिर तौर पर सचिन पायलट ने जो है अपनी तैयारी शुरू कर दी है और ये तैयारी जो है आखिर किस लिए है, क्या 2028 की तरफ देखते हुए सचिन पायलट अपनी लकीर को और मजबूत कर रहे हैं और ये लकीर या यूं कहें कि ये जो सक्रियता है संगठनात्मक लिहाज से भी, पार्टी के लिहाज से भी, कांग्रेस के लिहाज से भी क्या कोई मायने रखती है और इसके साथ क्या अब संघर्ष का एक रास्ता फिर से राजस्थान में जन सरोकार के मुद्दों पर सचिन पायलट पकड़ते नजर आएंगे और साथ साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर सचिन पायलट की इन तस्वीरों को देखकर कि कोई नई हलचल फिर से क्या पैदा होगी, इन तमाम सवालों पर नजरें टिकी रहेंगी।